अभी हम आए हैं शिवालय मंदिर में और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ताऊ जी भी आए हुए हैं और ये ताऊ जी, इनसे पहले भी आपको व्लॉग में दिखा रखा मैंने, और आज इन्होंने शिवालय में प्रसाद वितरण किया है। तो साबूदाने की खीर यहाँ पे ताऊ जी लोगों के द्वारा बनाया गया है, और सभी को माँ शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइस, शिवालय मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग आ चुके थे अपने घर से थोड़ा ऊपर शैलधार के पास में, एक गोलू देवता का मंदिर है। सो गाइस, काफी टाइम बाद तो मेला जा रहे थे और उसमें भी हम फंस चुके हैं जाम में। यहाँ पे लगी दुकान है, आप भीड़ देख सकते हैं गाइस, था भीड़ रहा ऐसा था। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा फैला, मैं निम्मी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल निम्मी ब्लॉग्स में। सो गाइस, कैसे आप सभी लोग, होप से सभी लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत मस्त हैं। सो अभी हम लोग आए हुए हैं शिवालय मंदिर, तो आज है महाशिवरात्रि, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे कमलू भैया बोल रहे हैं कि सेल्फी लो, पर हम सेल्फी नहीं ब्लॉग बना रहे हैं। अरे सेल्फी अच्छा बनाओ बनाओ ब्लॉग। और पूजा पाठ हो गई आपकी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया पूजा पाठ हो गई, भोलेनाथ के दर्शन हो गए। अच्छा, और नीरज भाई के साथ आज बहुत समय बाद मिल रहा हूँ, शादी में तो निकली है नहीं, जिंदगी ब्लॉग में आ रहा हूँ आज फर्स्ट टाइम आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा, देखता हूँ कैसे होता है यूट्यूब पे। आज लग रहा है 1 लाख से यूज तो होने ही होने हैं। अब चलता हूँ मंदिर को, बाय बाय गाइस। सो गाइस, अभी हम आए हैं शिवालय मंदिर में और आज है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ पे देखो, ताऊ जी भी आए हुए हैं और ये ताऊ जी, इनसे पहले भी आपको व्लॉग में दिखा रखा मैंने, और आज इन्होंने शिवालय में प्रसाद वितरण किया है। हमेशा ताऊ जी अच्छा काम करते हैं और काफी अच्छा लगता है, हम लोगों ने भी प्रसाद वगैरह खा लिया है। ताऊ जी और यह है भाभी, क्या नाम है जी? आए लोग तो अभी हम लोगों ने प्रसाद का तो खा लिया है, बाकी चलते हैं अभी घर को। साबूदाने की, तो साबूदाने की खीर यहाँ पे ताऊ जी लोगों के द्वारा बनाया गया है, और जो मतलब फास्ट में खा सकते हैं, तो काफी अच्छा किया हुआ है ताऊ जी ने। ताऊ जी स्पेशली हल्द्वानी से आए हो ना ताऊ जी, स्पेशली देखो सबको प्रसाद खिलाने के लिए, ये देखो इनको भी प्रसाद दे दिया प्रसाद, ताऊ जी को भी दे दिया। अब खाओ भी ले लिया, अब खाओ भी। हाँ तो देखो मैंने भी प्रसाद ले लिया है, एक बार खा के दोबारा फिर खा लूंगा। देखो बच्चों की तरह बजा रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दुकानें भी लगी हुई है, देखो समोसा और जलेबी चाउमीन सब मिल रहे हैं, और यहाँ पे खिलौने वगैरह। और ये हमारे गांव के ताऊ जी है, ताऊ जी हेलो को, देखो ताऊ जी ने आज दुकान लगा रखी है, और नितिन भैया केले वगैरह भी मिल रहे हैं, और यहाँ पे भी दुकानें वगैरह लगी हुई है। शिवालय मंदिर में पूजा करने के बाद हम लोग आ चुके थे अपने घर से थोड़ा ऊपर शैलधार के पास में, एक गोलू देवता का मंदिर है, गोलू दाना जी का मंदिर है। तो हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे जा रहे तो यहाँ पे भी आ जाते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे आना भी था और काफ़ी टाइम हो गया था मैं इस मंदिर पर नहीं आई थी, तो शादी के बाद में आज आई। और देख सकते हैं मंदिर काफ़ी अच्छा है,
जो हमारे कुमाऊं के राजा हैं गोलू देवता, उनके मंदिर है। तो गोलू देवता के मंदिर में पूजा करने के बाद अभी हम लोग आ चुके थे यहाँ पे माता रानी के मंदिर में। तो यहाँ भी हमने पूजा वगैरह कर ली है, बाकी चलते हैं हम घर को। तो यहाँ से पूरा हमारा घर दिख रहा है, यानी कि मेरा ससुराल। तो ये है हमारा घर, ये देख सकते हैं, क्योंकि रोड से ना अच्छे से दिख नहीं पाता है और यहाँ से दिख रहा है। और ये है मंदिर, देख सकते हैं। और हमारा टाइगर वहाँ से हू हू कर रहा है। तो सारे मंदिरों में पूजा करने के बाद हम लोग आ चुके हैं घर, और अभी हम लोग जा रहे हैं आज मेला। सासू माँ हैं घर पे। नमस्कार, ठीक ठाक हो आप? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज है महाशिवरात्रि की, बहुत बहुत बधाई आपको सब परिवार सहित, छोटों को बड़ों को। आज मिमी जा रही है मेले। आप भी आ रहे हो? हाँ, मिमी घर पे छोड़ के जा रही है। इनको घर पे छोड़ के जा रहे हैं, घर का काम करेंगे। और मैं ऐसी जा रही हूँ, पहली बार मेला जा रही हूँ आज, कितने टाइम बाद, जब हम 9th 10th में पढ़ते तब, उसके बाद आज जा रही हूँ मैं। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं हम मेला। सो गाइस, काफ़ी टाइम बाद तो मेला जा रहे थे और उसमें भी हम फंस चुके हैं जाम में। काफ़ी लंबा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, वही तो यहाँ पे देखते हुए। तो हम लोग पहुँच गए हैं देवस्थल मंदिर, और यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके की भीड़ है। तो आज मेले में हम भीड़ देखने आए हैं, और अभी देवस्थल में पहुँच चुके हैं हम लोग। दोनों आगे आगे से जा रहे हैं और मैं इनके पीछे पीछे। यहाँ पे लगी दुकान है, आप भीड़ देख सकते हैं गाइस। था भीड़ रहा ऐसा था, और ये भीड़ मैं लगी तो जा रही ना। हाँ, तो पंकज भैया यहाँ पे मिलते हुए। पंकज भैया मेले में क्यों आए हो आज? क्या करने आए हो मेले में? देखते हैं, घूमते हैं थोड़ा। और क्या खरीद, पुसू के लिए क्या खरीद के लिए जा रहे हो आज? अब देखते हैं, कोई मिलता तो अच्छी चीज। अच्छा, क्या नहीं, इसको बताना। अच्छा, इनको बताना था, मुझे ब्लॉग में बताना था। ये बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई के, बड़े भाई, बड़े भाई आ जाओ, बड़े भाई भी आ गए। नदी में भी देख सकते हैं काफी ज्यादा भीड़ हो रही है। गाइस, हम लोग मेला देखने आए थे, और मेले में मुझे समझ नहीं आ रहा कि करना क्या होता है, क्योंकि हमारी लाइफ का पहला मेला है ये आज। हाँ, मतलब पहले जब हम 9th 10th पढ़ते थे ना, तब हम आए थे, और उसके बाद आज आए हैं। मेरा तो लाइफ का पहला मेला है आज। उस टाइम पर चलो ऐसे ही होता था कि मतलब सब लोग दोस्त लोग ऐसे जाए बुक करे, और आज से समझ नहीं आ रहा कि मेले में क्या करें। मेरे को क्या ही करूँ, कैसे वाली फीलिंग आ रही, समझ में नहीं आ रहा है। अब हम चल रहे हैं घर को, थोड़ा नदी वदी घूम के, मंदिर वंदिर दर्शन करके आ गए हैं ऊपर रोड में। और इस बार कुछ खास भीड़ है नहीं, थोड़ा बहुत जितनी भी है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मिल गए हमें सस्ता ब्लॉगर, सस्ता ब्लॉगर मिल गए। यहाँ पर दीदी अब ब्लॉग बना रही है। तो हम लोग जाने लगे अब घर को, घर को नहीं मतलब दुकान पे जाएंगे, और थोड़ा देर दुकान में बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे घर को। और कुछ ऐसी ही भीड़ है यहाँ पे आज। तो ये है मंदिर का फर्स्ट गेट। तो हम आ चुके हैं इतने ऊपर, अब यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ खत्म हो चुकी है। तो निम्मी और नीरज आ रहे पीछे से, और इनको काफी, इन दोनों को काफी मजा आया है मेले में घूमकर, बोल रहे कि काफी अच्छा लगा, काफी भीड़ देखी। भीड़ बड़ा है और जगह ज्यादा पसंद नहीं है इसमें, काफी भीड़ देखी हमने, ये बोल रहे हैं। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी स्कूटी के पास, और निकलते हैं हम भी अपनी स्कूटी से अपनी शॉप की तरफ। तो वैसे तो फास्ट आज कुछ खा नहीं सकते, पर मन कर रहा है कुछ खाने का। देखो आगे कुछ मिलता है तो लस्सी टाइप
वो पी लेंगे। अभी हम लोगों ने एक शॉर्टकट वाला रूट ले लिया है और यहाँ से जाने वाले हैं हम लोग, और बाकी रास्ते जा रहे हैं हम लोग। हिलते हुए पुल से जाएंगे, हिलते हुए पुल से बोल रहे हैं भैया, तो निकलते हैं हिलते हुए पुल से और आपको भी दिखाते हैं कि पुल हिलता है कि नहीं। हिलता है रे सही में, बहुत वो करता है वो। इनको जाने देना आगे, तब जाके हम जाएंगे। पंकु पंकुदार है इसमें, पंकुदार। तो देखो गाइस उतरो, अब वो ऐसे यहाँ से अंदर अब निकल गए और पुल मदी मदी रुक जाओ। तो इस पुल से हम लोग आ गए इधर, ये दिखाना यहाँ, और ये है एकदम खड़ा रास्ता जहाँ कोई रोड नहीं है, वहाँ पे लोग गाड़ी लेके जाते हैं। तो नीरज लेके जा रहा है यहाँ पे गाड़ी, और ये मैक्सिमम ऊपर तक ही ऐसी रोड है, पर फिर भी लोग गाड़ी चलाते हैं इस रोड पे। और निम्मी काफ़ी स्टाइल मार रही है यहाँ पर, स्टाइल क्योंकि वो मेला घूम के आई है आज, और मेला से क्या लेके आई, हम खड़ी चढ़ाई। और इस रूट पे एक बार निम्मी ने भी स्कूटी चलाई है, ब्लॉग में भी दिखाया था हमने वो वीडियो, हमने आपको ब्लॉग में भी दिखाया था जब निम्मी ने इसमें चलाई थी। और मैं यहाँ से दौड़ लगा के जाऊँगी, अब देखते हैं खड़ी चढ़ाई में दौड़ पाती कि नहीं। तो दौड़ दौड़ के पहुँच चुकी है और मैं जा रही हूँ आराम आराम से। तो हम लोग पहुँच गए हैं ICR हॉलबाग। हॉलबाग हॉलबाग का फील्ड भी दिखा है यहाँ पे, यहाँ पे लोग अक्सर क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे निम्मी की सॉन्ग की शूटिंग भी हुई थी इसी जगह में, तेरे प्यार मतलब, तेरे प्यार मतलब ही करके। और ये रहा हॉलबाग का फील्ड, ये है हॉलबाग का फील्ड, यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, मेरे हस्बैंड जी खेलते हैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने ना स्कूल टाइम पे गेम्स भी खेलते हैं, कबड्डी अच्छा। और रेस वगैरह, ओके, और हाई जम्प लॉन्ग जम्प। देखो देवस्थल जाने के लिए इस रास्ते से पैदल पैदल आ रहे हैं। कहना है नीरज से कि थोड़ा आराम से चलो, और नीरज ने स्पीड इतनी स्लो कर दी, आगे स्कूटी बढ़ी नहीं रही, आगे बढ़ी नहीं रही है, इतनी स्लो कर दी कि पूछो मत। हमारा जो ड्राइवर वो काफी हैवी ड्राइवर, काफी हैवी ड्राइवर है। चलो थोड़ा सा स्पीड बढ़ गई तो मोहनदा का कहना है यहाँ पे जीरा सस्ता हो गया है, और शिवरात्रि के उपलक्ष्य में इन्होंने जीरा सस्ता कर रखा है। इस बार लोग जलेबी नहीं खा रहे, मोमो और सूप पी रहे हैं। तो अभी हम लोग आ चुके थे घर, मतलब वहाँ देवस्थल से जब हम आए हॉलबाग की तरफ से, अभी मैं पहुँच चुकी अपने घर, क्योंकि दीदी को छोड़ने आए हम और मेरी मम्मी। गाइस कैसे हो आप, बड़ों को मेरे प्रणाम, छोटों को प्यार, और आज मेरी निम्मी आई है और मैंने मम्मी को देखने के लिए आई है, तबीयत ख़राब हुई थी। और आज कुछ आप लोगों को शो पे शिवरात्रि का बहुत बहुत बधाइयां हो। तो दीदी को छोड़ने के बाद हम लोग आ चुके थे दिन में ही घर, और उसके बाद थोड़ी देर ऐसे ही लेट गए थे, और बाकी जितना काम वाम था वो कर लिया मैंने, और अभी मैं कर रही हूँ शाम की सब्जी वगैरह की तैयारी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ क्या, वो आप लोग को दिखाते हैं। तो मैं बना रही हूँ इसमें कद्दू का अचार, और ये है आलू, बाकी इसमें पापा ने तरूड़ उबाल के वो काट दिए हैं,
तो ये सब्जी पापा बनाएंगे, बाकी दो चीज़ मैं बनाऊंगी। तो गाइस पूजा अभी मैंने कर ली है, बाकी अभी हो चुकी है शाम और मैं बना रही हूँ पूरी। बाकी मेरे हस्बैंड जी मेरे साथ मेरी हेल्प कर रहे हैं। हेलो गाइस, आपको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आओ पूरी खा जाओगे, पहली बार बना रहा हूँ। शादी के बाद तो आज खाने में बना है, ये देखिए, ये बनी है कद्दू की चटनी, ये तरोड़ की सब्जी जो पापा ने बनाई है, और ये निम्मी ने बनाई, और ये है आलू के गुटके, ये भी निम्मी ने बनाए, और ये पूरी रोटी, और उसमें है लाल मिर्च, और ये हमने मम्मी और पापा के लिए लगाया है पहले, तो पहले मम्मी और पापा को खिलाते हैं, उसके बाद हम खाएँगे। तो फाइनली गाइस हम लोगों ने भी खाना वगैरह खा लिया है, बाकी किचन वगैरह भी साफ़ हो चुका है हमारा। तो आज का ये ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो मिलती हूँ ऐसे एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल में ब्लॉग्स पर। तब तक के लिए बाय बाय, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।